दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि आपकी घर की रूम या बेडरूम की दीवारें और रूम की सीलिंग देखने में बहुत ही मॉडर्न और रिच लुक दिखाई दे, तो इसके लिए बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है डब्ल्यूपीसी लोवर्स। जैसे कि बेडरूम की दीवार पे लगा सकते हैं, सीलिंग पे लगा सकते हैं, लॉबी रूम में लगा सकते हो। तो पहले ये फोटो देख लो, फिर आप सोचेंगे कि अब तो डब्ल्यूपीसी लोवर्स लगाना ही पड़ेगा। तो अगर आप भी चाहते हो कि आपकी दीवारें इस तरह से खूबसूरत दिखाई दे, तो आप इस डब्ल्यूपीसी लवर्स के साथ जा सकते हो। अभी आपके मन में ख्याल आया होगा कि ये डब्ल्यूपीसी लवर्स होते क्या है एंड इसको किस तरह से इंस्टॉलेशन किया जाता है और कहाँ मिलेगा, कितना प्राइस होगा और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, एक दीवार में ये लवर्स लगने में कितना खर्चा आएगा। तो सबसे पहले डब्ल्यूपीसी लवर्स क्यों लगाना चाहिए वो देखते हैं मेरे भाई। दोस्तों, आप लोग देख सकते हो, इस तरह की डिजाइन बनाने के लिए पहले लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता था। दोस्तों, मुद्दा ये है कि इस तरह की डिजाइन लकड़ी से बनाने पर खर्चा बहुत ज्यादा आता था, इसी वजह से लोग अपने घर को लग्जरी लुक नहीं दे पाते हैं ना मेरे भाई। इसी कारण से डब्ल्यूपीसी लोवर्स का जन्म हुआ इस दुनिया पर और अब इस लकड़ी के डिजाइन में ये डब्ल्यूपीसी लोवर्स मिलते हैं। जितना खर्चा इस डब्ल्यूपीसी लोवर्स लगाने में आता है ना भाई, इससे 3-4 गुना लकड़ी का डिजाइन बनाने में खर्चा लग जाता है। और जब भी आप लकड़ी का इस्तेमाल करते हो तो वाटरप्रूफिंग अच्छे से नहीं होते, टर्माइट का असर भी होता है। और जहां तक डब्ल्यूपीसी लोवर की बात आती है, यहां पानी और टर्माइट की कोई असर नहीं होता। और जैसे कि आपको पहले भी बोला, चाहे आपकी सीलिंग हो, दीवार हो, घर हो, ऑफिस हो, ऐसे सभी जगह पर आप इसको बिंदास इस्तेमाल कर सकते हो, बिना इस चीज की चिंता किए कि इसका कलर उड़ सकता है या फिर टूट सकता है या फिर टर्माइट का असर हो सकता है। दोस्तों, ये 100% वाटरप्रूफ होता है, इसका ऊपर पानी या सीलन का कोई असर नहीं होता। लेकिन हमेशा की तरह मेरा सजेशन ये रहेगा कि पहले अपनी दीवार की सीलन का समस्या का इलाज ढूंढे, इसके बाद अगर इस डब्ल्यूपीसी लोवर्स को लगाना चाहिए। ज्यादातर इन पैनल की जो फिनिशिंग होती है वो आपको वुडन टाइप फिनिशिंग मिलती है। खास करके जो कलर मिलते हैं उनमें ब्राउन कलर का ज्यादातर इस्तेमाल किया जाता है, उसके बाद ग्रे कलर भी मिलते हैं, बीच कलर भी मिलते हैं और ब्लैक कलर भी इसमें अवेलेबल होते हैं। तो आप अपनी चॉइस के अनुसार और डिजाइन के हिसाब से इन पैनल के कलर को सेलेक्ट कर सकते हो। वैसे तो इन पैनल को आपकी दीवार और सीलिंग के ऊपर लगाए जाते हैं, फिर आपको एक मॉडर्न लुक मिलता है। पर इससे भी आपको रिच और अल्ट्रा मॉडर्न लुक चाहिए तो आप जो है इस तरह के प्रोफाइल लाइट का इस्तेमाल कर सकते हो। जब आप लाइट को डब्ल्यूपीसी लोवर्स के अंदर में लगाते हैं तो लुक बहुत ही जबरदस्त दिखाई देता है। अगर हम लोग डब्ल्यूपीसी लोवर्स कंपेयर टू वुड, एमडीएफ या चारकोल से करते हैं तो इसका कुछ एक्स्ट्रा एडवांटेज होते हैं। सबसे पहला चीज, ये 100% वाटरप्रूफ तो होता ही है, टर्माइट प्रूफ भी होता है। ये चीज आपको लकड़ी और एमडीएफ में नहीं मिलता है, साथ में ये इकोनॉमिकल होते हैं। फिर हम लोग चारकोल पैनल्स की बात करें तो इनका कॉस्ट थोड़ा ज्यादा होता है। अगर हम बात करें इंस्टॉलेशन की तो ये बहुत ही आसान होता है। एमडीएफ और हुड हो, उनका इंस्टॉलेशन करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है, साथ में ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल होते हैं। 100% वाटरप्रूफ होने के कारण ये वॉशेबल होते हैं, लेकिन बार बार वॉश करने की कोशिश ना करें। और ये इजी टू क्लीन भी होते हैं और इनके ऊपर कोई भी पॉलिशिंग करने की जरूरत नहीं होती है। ये जो डब्ल्यूपीसी लोवर्स होते हैं ये मेंटेनेंस फ्री भी होते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, ये फ्लेम रिटेंडर भी होते हैं। ये कुछ एडवांटेज है बाकी चीजों की तुलना में, डब्ल्यूपीसी लोवर्स में आपको ज्यादा मिलती है। अब बात करते हैं डब्ल्यूपीसी लोवर्स के स्पेसिफिकेशन के बारे में। अगर हम इसके लेंथ के बारे में बात करें तो 7.5 फीट लेंथ में ये पैनल होती है और 6 इंच इसकी चौड़ा होता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो की है थिकनेस, जिसके ऊपर इसकी कॉस्ट डिपेंड होता है। जैसे इसकी थिकनेस अलग अलग होती है, एग्जाम्पल के लिए 12 mm, 14 mm, 23 mm, 27 mm, इस तरह से अलग अलग थिकनेस इन पैनल में मिलते हैं। अगर हम बात करें एक डब्ल्यूपीसी लोवर में आपको कितना एरिया कवर होता है, तो 4.75 स्क्वायर फीट एरिया कवर होता है। और जो एक पैकेट में आपको मिलते हैं उसमें 15 पीस रहता है, तो 15 पीस में 71.25 स्क्वायर फीट कवर हो जाता है एक बॉक्स के अंदर। तो अगर हम बात करें कॉस्ट की, तो एक डब्ल्यूपीसी लोवर्स आपको मार्केट में 800, 1000, 1200, 1300 रुपए तक की मिलता है। और ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी ब्रांड की मटेरियल ले रहे हो, तो खास करके ब्रांडेड मटेरियल की इस्तेमाल करिए, जो लॉन्ग लाइफ रहेगा, आपको आगे दिक्कत नहीं होगा। और दोस्तों, जैसे कि आपको मैंने पहले भी कहा, प्राइस जो है वो थिकनेस के ऊपर डिपेंड होता है। जैसे आप 23 mm थिकनेस वाले डब्ल्यूपीसी लोवर्स परचेस करते हो तो उसका कॉस्ट 850 रुपए से शुरू हो जाती है, और अगर आप 27 mm थिकनेस वाला परचेस करते हैं तो उसका कॉस्ट 1300 रुपए से शुरू हो जाती है। दोस्तों, चलो बात करते हैं कि अगर आपके एक बेडरूम है और आप एक 10x10 की दीवार में ये डब्ल्यूपीसी लोवर्स लगाएंगे तो कितना खर्चा आएगा और कितना पीस डब्ल्यूपीसी लोवर्स लगेंगे। सबसे पहले आपको उस दीवार के एरिया स्क्वायर फीट में निकालना पड़ेगा। जैसे 10x10 का दीवार है तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 100 स्क्वायर फीट, और डब्ल्यूपीसी लोवर्स एक पीस में 4.75 स्क्वायर फीट होती है, तो 100 स्क्वायर फीट डिवाइड बाय 4.75 करेंगे तो आएगा 21 पीस। देखो मेरे भाई, 10x10 का दीवार में 21 पीस डब्ल्यूपीसी लोवर्स लगेंगे। तो दोस्तों, एग्जांपल के लिए हम एक पैनल का प्राइस मान के चलते हैं 820 रुपया। 21 पीस मल्टीप्लाई 820 करेंगे तो आएगा 17,220 रुपया। यानी कि दोस्तों, 10x10 का वॉल को कवर करने के लिए जो पैनल का कॉस्ट है वो आएगा 17,220 रुपया। अब ये तो हो गया पैनल का कॉस्ट। दोस्तों, अब बात करते हैं लेबर कॉस्ट के बारे में। तो वैसे तो 20-25 रुपया तक लेबर चार्ज लिया जाता है पर स्क्वायर फीट में, पर आप ऐसे मान के चलिए 20 रुपया तक इस पैनल को लगाने में खर्चा आने वाला है। तो वॉल का एरिया है 100 × 20 रुपया हमारा लेबर कॉस्ट, फिर इट्स इक्वल टू आ जाती है 2000 रुपया। फिर कुछ कॉर्नर प्रोफाइल चाहिए होगा जो वॉल का कॉर्नर में लगता है, एंड इसका पर पीस कॉस्ट आ जाती है 25 mm का 350 रुपया, 30 mm का 400 रुपया, मतलब mm पे कॉस्ट डिपेंड होता है। और फर्स्ट नेट क्लिप चाहिए होगा डब्ल्यू
सिल्वर्स को ज्वाइन करने के लिए पर पीस कॉस्ट 6 रुपया होगा। एग्जाम्पल के लिए इन दो मटेरियल का कॉस्ट मान के चलो 1,050 रुपया, तो 17,220 रुपया प्लस 2,000 प्लस 1,050 एंड टोटल कॉस्ट आ जाती है 20,270 रुपया। यानी कि दोस्तों 10x10 की वॉल में अगर हम WBC लोअर्स लगाने की सोचते हैं तो 18,000 से लेके 20,000 तक कॉस्ट आ जा सकता है अगर हम एक अच्छी क्वालिटी का पैनल यूज करते हैं तो, जिनकी थिकनेस 12mm तक हो सकता है। और ये जो हम लोग ने कॉस्ट निकाला है ये मटेरियल के ऊपर, थिकनेस के ऊपर, लोकेशन के अनुसार कम या ज्यादा हो सकता है। एक एवरेज मान के चले तो 190 रुपया से लेके 240 रुपया तक पर स्क्वायर फीट तक आपको इन WBC लोअर्स लगाने का खर्चा आ जा सकता है उस मटेरियल के साथ। अब ये जरूरी नहीं कि पूरे 10x10 का वॉल में इसे लगाए या फिर पूरे सीलिंग के ऊपर इसको लगाए। दोस्तों कुछ जगह पर ना आप इसे स्मार्टली भी यूज कर सकते हो, जैसे कि टीवी बैकग्राउंड साइड की जो जगह होती है वहाँ पे लगा सकते हो। बाकी आप किस तरह से लगाना चाहते हो वो आप पर डिपेंड होगा। एंड जब कभी भी आप WBC लोअर्स खरीदने जाएंगे और फिर आप रेट को कंपेयर करके देखते हो तो फिर ये जरूर चेक कीजिए पैनल का रेट क्या है और थिकनेस कितना है, क्योंकि दोस्तों ब्रांड के साथ थिकनेस का ऊपर भी प्राइस डिपेंड होता है। हालांकि वॉल को डेकोरेट करने के लिए और भी ऑप्शन होते हैं जैसे कि ईवी मार्बल शीट और भी बहुत कुछ, पर जहां तक बात आती है WBC लोअर्स की, इसका एडवांटेज ये है कि जो बाकी पैनल में होते हैं वो पूरे वॉल पे लगाना पड़ता है, लेकिन ये जो WBC लोअर्स होते हैं इन्हें आप बाकी पैनल के साथ भी लगा सकते हो, जो दिखने में बहुत ही अच्छा दिखाई देता है और जो कि एक अच्छा ऑप्शन भी आ जाती है। और दोस्तों आप इन्हें कहां लगाना पसंद करेंगे कमेंट बॉक्स में बताना। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। आशा करता हूं कि आप लोगों को अच्छे से जानकारी मिला होगा।